In the press conference, let me introduce Mr. Dipendra Kandel. Dipendra ji, एक public innovator है नेपाल based, जो कि नेपाली जनता के लिए और हर तरह के जुड़े social issues के लिए इनका Dipendra Kandel initiative चलता है, जिसके कर्ता धरता और the voice behind the whole initiative is Mr. Dipendra. Me, myself, my name is Rajat Bharadwaj. I am the CEO and founder of Air Aspire, an India-based air charter company. By education, I'm an aerospace engineer and go on to think that I have some good knowledge about aviation. Aviation के फील्ड से काफी दिनों से जुड़े हैं और इस वजह से दीपेंद्र जी से भी जब मुलाकात हुई तो एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया, जो कि काफी बड़ा मुद्दा होने के बावजूद हमारे देश में और बाकी देश दुनिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हम लोग साथ बैठे हैं. सो इससे पहले दीपेंद्र जी पूरी बात बताएं आपको, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि घटना क्या है नहीं है. नेपाल से हम लोग सबको ही वाकिफ हैं, हमारा पड़ोसी देश है, हम लोग कई दिनों से जुड़े हैं, हम लोग हर रूप से जुड़े हैं नेपाल से, भले वो आर्थिक रूप है, कल्चरल रूप हो, रीति रिवाजों के रूप में कैसे भी जुड़े हैं. नेपाल को जब हम देखते हैं तो नेपाल की एक अलग पहचान बनती है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे एक टोटली हिमालयन देश माना जाए. हिमालय की गोद में एक प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा, निर्मल सा देश, जहाँ की बहुत सुंदर पहाड़ियाँ, निर्मल वादियाँ और प्यारी नदियाँ पूरी दुनिया में मशहूर है. नेपाल जैसे देश के लिए जो सबसे इजी एंड सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रैवल है वो है वाया हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर की एक खासियत होती है कि ना तो उतरने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, ना तो उड़ने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, राइट. बट अगर हम थोड़ा पहले जाते हैं तो 27 फरवरी 2019 को एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ नेपाल में, जिसने कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसमें कि एक एयरबस का H-125 हेलीकॉप्टर पतिवारा देवी टेम्पल के पास नेपाल में क्रैश हो गया. उस क्रैश में एक पायलट के साथ 6 और पैसेंजर्स दुर्घटनाग्रस्त हो गए और वीरगति को प्राप्त हुए. ये दुनिया का एकमात्र आज तक का इस हिस्ट्री में, इस इतिहास में, विमानन के इतिहास में यह पहला क्रैश था जिसमें कि किसी देश के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर की भी डेथ हो गई. इस मुद्दे ने पूरे के पूरे एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक वीवीआईपी की मौत और इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ हुई तो लोगों ने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठाया और ये हर जगह ये सुर्खियाँ बटोरी इसने, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके बीबीसी से लेके हर जगह. बट उसका जो आफ्टरमैथ है, हम आज उसकी बात करने आए. जब एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है और जब हम पन्ने पलट के देखते हैं तो ये कोई पहला हादसा नहीं है नेपाल में. अगर हम इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर की बात करें, एयरबस H-125 की, तो ये विगत वर्षों में 22वां ऐसा हेलीकॉप्टर दुर्घटना है, ऐसी दुर्घटना है जिसमें कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और लोगों की जान माल को खतरा गया है. अब इन सब चीज़ों को देखते हुए आज तक की जो हिस्ट्री बनती हुई आई है, ये हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है और इस विषय को हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, हम थोड़ा आपको इलाबोरेट करना चाहेंगे. इसलिए मैं दीपेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको डिटेल में आगे बताएं इस पूरी चीज़. प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी आपका.